सो हाय फैमिली, कैसे हो? आज हम एक्सप्लेन करने वाले रॉन्ग टर्न 3, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मूवी थी ये। और इसमें भी गाइज आपको कुछ अमेजिंग क्लिप्स देखने के लिए मिलेंगे। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। यहाँ कुछ टूरिस्ट आते हैं गाइज, जो कि नदी में, और उसके बाद में थ्री फिंगर आप तो जानते हो, जो कि सेकंड पार्ट में था, बच जाता है। वो एक औरत के आँख पे निशाना लगा देता है, जिसके को मार कर उसके आँख खा लेता है। उसके साथ में का जो शख्स होता है वो भाग जाता है, और ये जो है मारा, ये पीछे से देख रही होती है और उसे देखकर छुप जाती है। जैसे छुपती है, उधर से एक आदमी लकड़ी लेकर आता है, और उसकी आवाज़ सुनकर वो थ्री फिंगर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और वो जंगल से भाग जाता है। लेकिन वो उसे भी पकड़ लेता है और उसको अपना शिकार बना लेता है। तो उसके बाद में वो जो तीसरा बंदा होता है, वो भी गाइस बहुत बुरी तरह मरता है। और उसके बाद में आप देखिए, ये जंगल है, सॉरी गाइज, ये जेल है, जो कि यहाँ कुछ अंडरवर्ल्ड क्लियर को लाया जाता है, जो कि इन सबको उधर दूसरी जेल में ट्रांसफ़र कर रहे होते। और उसमें जो आपको तीर कमान दिख रहा है, वो एक मुजरिम होता है, सबसे बड़ा वाला। तो इनका कुछ इनको शक होता है कि इस गाड़ी पे कुछ हो ना हो, हमला ज़रूर करेंगे, या उसको बचाने की कोशिश उसके गैंग वाले ज़रूर करेंगे। सो गाइस, ये शेरीफ वहाँ से मतलब मोड़ने के लिए रास्ता, दूसरा रास्ता बनाता है, जो कि फैक्ट्री की तरफ जाता है, जो कि आपने सेकंड पार्ट देखा है। अगर नहीं देखा तो मेरे चैनल के लिंक नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना। और उसके बाद में ये दूसरे, और ये आप थ्री फिंगर के साथ जो बच्चा देख रहे हैं, ये थ्री फिंगर के साथ जो बच्चा था, जो सेकंड पार्ट में जो लास्ट में बच जाता है, जिसे थ्री फिंगर ट्रीट कर रहा था, तो वो यही वही बच्चा होता है, जो कि अभी पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ होता, और वो ट्रैप लगा रहे होते हैं और उसी में वो फंस जाता है। थ्री फिंगर उसे वहाँ से उठा लेता है, और उठाने के बाद में वो फिर से ट्रैप सेटअप करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वो थोड़ी देर आराम करते हैं, आराम करने के बाद में फिर से गाड़ी में बैठते हैं पुलिस वाले, और वहाँ से निकल जाते हैं। उनके पीछे एक ट्रक उनका पीछा करता होता है, जो कि थ्री फिंगर का होता है, और वो एक कटीली तार उसके आगे ले जाकर टायर में फंसा देता है और टायर फोड़ देता है, जिससे कि गाड़ी का संतुलन ख़राब हो जाता है और वो पलट जाती है, जिसमें कि थ्री फिंगर अभी उन पर हमला नहीं कर सकता था, तो वो थोड़ा वेट करता है। उसके बाद में शेरिफ बाहर निकलता है और वो सब कैदियों को बाहर निकालने की शुरुआत करता है, लेकिन उसमें से जो अंडरवर्ल्ड का जो बहुत बड़ा किलर होता है वो देख लेता है, और पीछे से एक पुलिस वाला शॉटगन लगाता है, लेकिन उसे थ्री फिंगर चाकू मार देता है, और जैसे ही चाकू मारता है वो वारदात पे ही मर जाता है। और वो क्रिमिनल उसके हाथ से गन उठा लेता है, गन उठाने के बाद में वो सभी पे रोप झाड़ना शुरू कर देता है, और उस पर भी तीर आके लगना शुरू होते हैं, जो कि पुलिस वाला समझ जाता है और वो फायर करते हैं। उनको पता था कि ये तेरे गैंग के आदमी, मतलब उसके गैंग के आदमी थे, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो नहीं है, वो चाबी मांगता है जिससे कि हथकड़ी खोली जा सके। लेकिन चाबी तो गाड़ी में होती है, और गाड़ी अभी थोड़ी देर में फूटने वाली होती है, मतलब ब्लास्ट होने वाली होती है, और वो एक जो पुलिस वाला होता है वो थोड़ा घायल होता है, तो उसे निकालने की कोशिश में शेरिफ उसे बाहर, जैसे ही निकलता है गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। और थोड़ी देर बाद वो यहाँ से बातचीत करते हैं, तो उस क्रिमिनल को पता था कि वो शेरिफ को मार नहीं सकता, वही एक जरिया था उन्हें जंगल से बाहर निकालने के लिए, तो वो उनके साथ जाता है। और वो जो आप फर्स्ट में जो एक औरत बच गई थी वो राफ्टिंग के दौरान, तो वही उनके सामने आती है, और वो कहती है यहाँ एक म्यूटेंट रहता है, जो कि बहुत बुरी तरह से लोगों को मार कर उन्हें खा जाता है, और ये बंदा कहता है तुम पागल मजाक कर रही हो। तो ये सब देखकर वो कहते हैं चलो जाने दो, आगे जाकर देखेंगे। वो उन्हें लगता है कि वो सब उसका मजाक उड़ाते, उन्हें उस बातों पे यकीन नहीं आता। उसके बाद में थोड़ी आगे जाते उन्हें एक ट्रक पलटा हुआ मिलता है, जिससे कि वो तोड़ देते हैं, और जैसे ही गाइस उसे तोड़ देते हैं, तो उस गाड़ी में से एक गन मिलती है, तो गन मिलने के बाद में शरीफ के हाथ में दे देता है। और उस गाड़ी में नोटों से भरे हुए कई थैले होते हैं, मतलब कई बैगा होते हैं, जो कि हर एक शख्स दो दो बैग ले लेता है, जिससे कि शेरिफ को भी दो बैग लेने के लिए वो कहता है। लेकिन उसके बाद जो उसके साथीदार था, उसे पैरों में चोट लगी थी, तो वो बैग नहीं उठा था, तो उसके बदले वो शूट करता है, लेकिन गन में गोली नहीं होती। लेकिन क्रिमिनल वो गलती नहीं करता और उसे मौके पे ही मार देता है। और उसके बाद में उसे भी वो शेरिफ उसे कहता है मत मारो, लेकिन मार देता है। और उसके बाद में उन्हें आगे चलने के लिए कहता है, जो कि सबसे पहले आगे वो लेडीज होती है, लड़की, और वो थोड़ी आगे जाते हैं जैसे ही, तो उन्हें एक ट्रैप में, वही ट्रैप में गाइज वो फंस जाते हैं, लेकिन जिसने थ्री फिंगर ने लगाया था। लेकिन शेरिफ वो लड़की को वहाँ से बचा लेता है, और वो जो थ्री फिंगर का जो साथीदार होता है छोटा वाला, वो उसे
मारने की कोशिश करते हैं। और इन्होंने ये लड़की कहती है कि वो थ्री फिंगर के साथीदार नहीं था, ये अलग है थ्री फिंगर और ये बच्चा था। तो वो उसे मैसेज देने के लिए थ्री फिंगर को उसके गर्दन काट कर वहाँ लटका देते हैं, जिससे कि थ्री फिंगर बहुत चिढ़ जाता है और वो और ज़्यादा बदले की आगोश में आ जाता है, जो कि आप देख सकते हो। और उसके बाद में जैसे वो आगे जाते हैं, ये एक ट्रैप होता है, जैसे ही क्रिमिनल उस वायर को हाथ लगाता है तो वो चिल्लाता है, उसे पीछे खींच लेता है। जैसे ही पीछे खींचता है तो एक ब्लेड आकर उसके चेहरे से लग जाता है, जो कि उसका चेहरा कट कर नीचे गल जाता है। तो इससे बचाने के वजह से वो उसे वहाँ से डेड बॉडी उठा नहीं सकते थे, तो उसके पैर काट कर साथ में चैन लेकर चले जाते हैं। और इसी दौरान ये दो शेरिफ होते हैं, ये सोचते हैं कि अभी तक हमें चार जो लापता स्टूडेंट्स हैं उनका पता भी उन्हें मिल चुका होता है। और ये कहता है कि उन्हें गाड़ी निकाल के बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो पहुँचे नहीं, या उनकी गाड़ी हाईजैक हो गई या किसी ने गाड़ी लूट ली, तो उन्हें समझ में नहीं आता। तो वो चेकिंग करने के लिए निकलते हैं। इधर ये सब कैदी और एक जो शेरिफ होता है उस लड़की के साथ, इनको एक हथियार मिल जाता है जिससे कि ये अपने हथकड़ियाँ खोल लेते हैं। और ये थ्री फिंगर का ट्रक दिखता है, उन्हें लगता है यही जाल है, ये सही में जाल था। लेकिन वो एक शख्स को आगे भेजता है जो कि चेक करने के लिए, और जैसे ही ये शख्स आगे जाता है तो वो थ्री फिंगर उसे केबल में लटका लेता है और अपने गाड़ी के साथ घसीटता हुआ आगे ले जाता है। वो तब तक घसीटता है जब तक वो मर नहीं जाता। और उसके बाद में गाइस वो जैसे ही मर जाता है तो काफ़ी दूर तक घसीटता हुआ जाता है। आगे जाने के बाद में उनका साथी वो उस क्रिमिनल पे हमला कर देता है, जो कि वो क्रिमिनल उसे बाद में मार देता है, बेहोश कर देता है। और वो उसे कहता है ये सब गलत है। उतने में शेरिफ वहाँ आ जाता है दूसरा वाला, और वो सब जितनी भी जानकारी होती है ऊपर पहुँचा देता है कि यहाँ से कैदी और शेरिफ नहीं दिखा दे रहे, गायब हो चुके हैं। और इधर ये शेरिफ और ये इनका झगड़ा चल रहा होता है पैसों को लेकर। तो ये कहता है कि पैसे तो नहीं है। उतने में पीछे से वो शेरिफ पे हमला कर देता है क्रिमिनल, और वो कहता है कि आगे एक वॉच टावर है, वहाँ से हम जाकर कुछ सिग्नल दे सकते हैं और मदद बुला सकते हैं। तो इस बात पर वो आगे जाते हैं। तो ये आपने देखा था फर्स्ट पार्ट में कि वो इन तीनों ने वो वॉच टावर पूरी तरह से जलाया हुआ होता है। तो ये सब देखकर शेरिफ के सिर में वो गोली मारने का सोचता है। बाद में वही दूसरा शेरिफ का कुत्ता आ जाता है और शेरिफ भी वहाँ आ जाता है, जो कि उन सबको बचा लेता है वहाँ से। उतने में थ्री फिंगर ऊपर बैठा हुआ होता है, वो एक नुकीली चीज़ फेंकता है जिससे कि पुलिस वाला जगह पर ही मर जाता है, मौके पे ही मर जाता है। उसके बाद में क्रिमिनल फिर से गन उठाकर उन पे रौब झाड़ने की कोशिश करता है, और इस वक्त वो उन्हें सबसे आगे चलने के लिए कोशिश करता है। और जितने भी पैसे भरा हुआ बैग होता है उनका एक साथीदार लेकर भागने की कोशिश करता है, जिससे कि थ्री फिंगर मोलोटॉप डालकर उसे वहीं पे जला देता है, और उससे उसके साथ वो पूरा पैसा भी जल जाता है। ये सब देखकर वो आगे आते हैं, और आगे आने के बाद में थ्री फिंगर उन पे फिर से हमला करता है। उन्हें पता होता है कि ये ट्रैप है, लेकिन लड़की को वहाँ भेजते हैं और थ्री फिंगर लड़की को उठाकर वहाँ से चला जाता है। और ये पुलिस वाला उसे कहता है ये तू सब गलत कर रहा है। उतने में जो पीछे बंद शख्स था उसके सिर में मार देता है क्रिमिनल के, और वहाँ से वो उसे कहता है तुम अपनी जगह जाओ, मैं अपनी जगह चला जाता हूँ। उतने में वो थ्री फिंगर लड़की को वहाँ लेके आता है, और जो शेरिफ थी गाइज, वो शेरिफ जो बंदों को ढूंढने निकली थी, वो थ्री फिंगर उसे वहाँ मार कर लटकाया हुआ होता है। और उसके बाद में ये क्रिमिनल उड़ जाता है, और वो भी उस बंदे जिसने उसके सिर में मारा था उसे बेहोश कर देता है। और उसके बाद में थ्री फिंगर की और उसकी काफ़ी हाथापाई, काफ़ी लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में थ्री फिंगर को काफ़ी मारता है वो। लेकिन थ्री फिंगर एक म्यूटेंट होता है तो वो ज़्यादा जख्मी नहीं होता, और वो उसे काफ़ी उसके हुक में काफ़ी उसे मारने के बाद उसका भेजा खा लेता है। उसके बाद में शेरिफ का जो डॉग होता है वो उसे मिल जाता है, और वो उस द्वारा उस लड़की के बचाने के लिए पहुंच जाता है शेरिफ। जैसे ही थ्री फिंगर वहाँ आता है उस पर कुराड़ी से हमला कर देता है, जिससे कि शेरिफ को पीछे से थ्री फिंगर उठा के फेंक देता है। जबकि जो वो लड़के का सर वहाँ लटकाया हुआ था वही सर वो थ्री फिंगर के पीठ में लाठी से मार देते हैं, और थ्री फिंगर नीचे गिर जाता है। जैसे ही गिरता है वो आगे जाते हैं, थ्री फिंगर उन्हें फिर से मिलता है, उनकी गाड़ी के हुक को पकड़ के वो अंदर आ जाता है और शेरिफ को बुरी तरह से मारने की कोशिश करता है। उनकी गाड़ी पेड़ों पर टकरा जाती है और शेरिफ और वो दोनों बेहोश की हालत में होते हैं। और आगे थ्री फिंगर
वहीं पे ज़िंदा था, लेकिन वो जैसे ही पीछे से आता है कुराड़ी लेकर, तो वो शेरिफ उसे हुक वैसी हुक में लटका देता है और लटकाने के बाद में गाड़ी पर फेंक देता है, जिससे कि गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और वो वहीं मर जाता है। उसके बाद में वो तीनों उस कैदी को कहता है तुम अपने रास्ते चले जाओ। उसके बाद में वो सुबह होने तक वहाँ वेट करते हैं और वेट करने के बाद में गाड़ियाँ वहाँ आ जाती है। तो जैसे ही दूसरे दिन वो सब शेरिफ नीट होकर एक दो वीक के बाद में वहाँ आता है पैसे लेने के लिए, तो पीछे से ये जो क्रिमिनल जिसे शेरिफ ने छोड़ा था वो उसे पीछे से धोखे से मार देता है और उसको भी पीछे से एक मार देता है म्यूटर, जो कि कौन था पता नहीं। ये राज तो सिर्फ इसके अगले पार्ट में समझ में आया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़।